कट बे, एक भी फूल नहीं टूटते साले। अब उधर दूसरा झाड़ देखूंगा, क्या बता दो। अरे हमारे घर में ही लाके बांध दो ना। ओह नो, नाश कर दिए पूरे धान का। ऊपर वाला तो ऐसा ही कोप गया है हम पे। साला इतना खाद डाला, सारी चीज डाला आदमी ने धान में, सपा जब भी सफेद घोष हो गए पूरे। अच्छा, साला रात दिन पूजा पाठ करता है आदमी, इस भगवान को पूजो उस भगवान को पूजो, कहीं ना कहीं से साला आदमी सक्सेस होगा करके, पर नहीं, कहीं ना कहीं से आफत आई जाती है। अच्छी खासी धान थी, सपा चरा के नाश कर डाले साला, क्या बताए ना, क्या ने क्या कर ले आदमी, कहता हूँ। ये मंदिर जाओ, वो मंदिर जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ, सब भगवानों को पूजो, फिर भी साला समझ ही नहीं आ रहा है, आदमी बढ़च नहीं रहा है ऊपर जहाँ का वहां और नीचे नीचे, साला क्या बताए ना क्या ना, हे पूरी गिरा हमारे घर आइए लगता है। साला किसने ऐसा क्या, साले कोई साथ जादू टोना तो नहीं कर दिए होंगे, घर भी परेशान, खेत से भी परेशान, आदमी क्या बताए ना क्या नहीं। ये मिले फूल अवर भतूरे के भी तोड़ा ही लेता हूँ, भेजा सारे फूल हो गए। आप तो कैसा का आ गया खेत से? अरे आ गया यार, पूरा दिमाग खराब हो गया। अच्छा, सब चारा डाले बैठे उन्हें, किसके जानवर है तो? कैसा है धान तो? वो सफेद घोष होने लगे साला, कर्म की घिस घिस किस्मत के, फिर ना मकड़ी के जाले में फंस गया, सेरा ही दिखता है साला। हमारे यहाँ बाबू ने भी ना पूरा डेंग डेंग लगा दिया सुबह से, इसके फूल ला उसके फूल ला, वो बेशरम के फूल नहीं मिले साले, अब तालाब तरफ जाना पड़ेगा मेरे को। क्यों बे? आ बताता हूँ, इधर बैठा। अरे जल्दी बताना यार, घर जा रहा है। मैंने बताया ना, करके देख लेना एक बार, सब ठीक हो जाएगा, पूरी सुख शांति मिल जाएगी। ठीक है अब जा रहा हूँ घर, आज से चालू। सही बोल रहा है वो, घोसड़े का यही कारण होगा हमारे घर में इतनी आपत्ति आ रही है। पिंकी ए वो ये जकला को काम आम है क्या? नहीं भाई, हमारे घर का दे चिल्लाता है। डराना क्या है, सुनाई नहीं देता क्या तेरे को? हाँ तो क्या है तो? ना धो के तैयार हो जा जल्दी, और मेरे लिए भी पानी गरम कर। काय के लिए? सब का सराद करूंगा माया। अरे पूरे पागल आदमी हो तुम जी। और सुन, ये पल्ला डाल के रख, पल्ला डाल के। तुम्हारे सामने पल्ला डालू मैं? बड़ा 30 मार खान। और ओ क्या है? एक पन्नी ला, फूल के लिए जा रहा हूँ मैं। तो ऐसे रख के ला लेना सराट में, कितने समाएंगे यहाँ? पन्नी ला बोला तो? तुम पूरे पागल हो जी, इसको कैसे समझाऊं, कहता हूँ साले तुम्हारे कारण आधा बर्बाद हो रहा हूँ मैं। देखो तुम मेरे दिमाग में खराब मत करना, बता रही हूँ काम धंधा है मेरे को ढेर भर। oh, no. दूर से बात कर, दूर से बात कर, चिपक के बात करूंगी मैं। और सुन, अभी पितर पक चल रहा है तो? अच्छा, आज से अलग सोना तू और मैं अलग सोऊंगा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या जी? हाँ इतने साल हो गए शादी को, अलग नहीं सोई मैं, अब सोऊंगी अलग क्या? अरे मैं सब बाद में समझाऊंगा, तू मेरे लिए पानी गर्म कर, तू भी नहा धो के तैयार रहे, मैं फूल के लिए जा रहा हूँ, पन्नी ला के दे मेरे को। साले कोंदा के कोंदा ही रहोगे तुम। तुम तो आप होता दिमाग के, दिमाग खराब करोगे। दूर से बात कर, पन्नी दे तो ये दे तो, कर्मचारी का पालन करना है। कहाँ से ढूंढ लूँगा पन्नी मैं? तुम ऐसा जाता हूँ मैं, पागल कहीं की, साली को कभी दिमाग नहीं आने का। चलो जी पन्नी, मान देखती हूँ ना तुम्हारा क्या लाते और क्या करते हो तो। अरे जितना बताया उतना कर, नहा दो के तैयार है मेरे आने के पहले, मेरे को भी नहाना है। दे दी ना पन्नी, जाओ ना। जाने अरे जाओ ना, मेरे पीछे लगे रहोगे ना, ऐसा तो दिमाग लगता है ना। साला इधर जा, फूल मिलेंगे किधर है यार? इससे पूछता हूँ साले कनक से, पूरा गांव घूमता है इसको मालूम होगा। अच्छा, इसी तरफ जाता हूँ अभी। Oh no!
अबे तू रोना तो बंद कर पहले रोना बंद कर तो रोना लग रहा चुप रहना मारूंगा ना तो तेरे को और काम नहीं है क्या भाई मारती तो काय के लिए उसके पास गया मैं वहाँ जा रहा था हाँ झाड़े देखने अच्छा वो मार दी दाई ने हाँ अरे ये बता ये फूल किधर मिलेंगे फूल फूल वो यहाँ से जाना हाँ वहाँ पे एक पेड़ है हाँ वहाँ पे अच्छे सारे फूल है बहुत सारे और सुन तेरे को भी बहुत परेशानी ना घर में घर के लोग तेरी नहीं सुनते ना नहीं है ना अच्छा उसका एक कारण है रे मैं जो जो बताऊंगा वैसा करेगा ना तो जिंदगी भर समस्या नहीं आ सकती तेरे साथ में करेगा अच्छा कर दूंगा तो तू भी अभी घर जा नहा दो कार फूल ली जा और तेरे बाबू का दादा का दादी का सबका श्राद्ध कर है और टकला हो तू ये पूरा मुंडन हो जा अबे तो टकला नहीं होगा तो फिर तेरी समस्या खत्म कैसे होगी मुझे नहीं होना एक बार अबे अबे तो जिंदगी भर फिर समस्या खत्म नहीं होने की अच्छा मेरी बात सुन देख घर जा नाई के पास जा सबसे पहले पूरा टकला हो घर जा तो साले फिर कैसे कैसे समस्या खत्म होगी तेरी बता तो टकला मुझे नहीं करना मुझे तो सर साले रे फिर अरे मेरे बाप ये वो साले घर में ही घुसे रहो तुम तो बस रे भगवान पानी ला पहले थक जाता है आदमी काम कर करके पूरे काम खुद ही करो बस अच्छा घर घोर के पिला दूं ऐसा लगता है दिमाग कभी कभी आओ ले ला लिए फूल अरे पर साला वो बेशरम का नहीं मिला तो बेशरम का फूल कहाँ लगता है जी अरे उनने बताया है मेरे को वो ते राम भगवान सही में पागल दिमाग का है रे मेरे घर का तू तेरे को नहाले कहा था ना ही भी नहीं तू कैसी मेरी बात क्यों नहीं मानती मैं काहे के लिए नहाऊं तुम नहाओ अच्छे घिस घिस के समझ रहे हो ना मैं नहीं नहाती अरे तो कोंदिया दिमाग के हो मन तो करता है तेरा भी शराब कर दूं साथ ही में ये राम मैं जिंदी हूँ जिंदी में मेरे बारे में ऐसे सोच रहे हो तू मारने का देखते हो क्या देख तो ऐसे ही पानी गर्म कर ली हाँ तूने क्यों नहीं नहीं अभी तक अरे मेरा छोड़ो सेंट छींच ली हूँ मैंने समझ रहे हो सेंट से काम नहीं कुछ विधि विधान से पूजा पाठ करना पड़ता है विधि विधान से आ गया रे ये कुदरिया का पहले श्राद्ध करो तुम मैं सही बता रही हूँ बैठ बैठ नहीं मेरे सामने होना ही नहीं ये बता रही हूँ इसका जल्दी श्राद्ध करो तुम अरे सुबह का भूला भटका श्याम को घर बैठने देना अरे मेरा जेवर का पूरा सत्यानाश करा है कालिया ने इसको नहीं आन देती दाड़ आदमी को हाँ मैं यहाँ अच्छा भाग जा तू जेवर जेवर कर रही ला तो दिया ना तेरे जेवर का को दिखा रही तेवर भाई नहीं हूँ क्या तेरा देवर कहाँ का जेवर दिखा मेरे जेवर मारा इच्छा माइला तू तो सायर बन जाएगा रे जेवर दिखा जेवर तो का यार बोलती है मेरे को जेवर कहाँ है मेरे तेरे को कल दिया था श्याम को ना कल दिया था कर आज आ रहा और कल दिया था कर कहाँ रखा है बता भुलक्कड़िएगा भुलक्कड़ हो गईगा ये पक्का अंदर रख के आया होगा तो फिर जी मैं भी देख के आती हूँ अच्छा अरे अबे इधर 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 तू कहाँ भागा था बे पैसे लेके वो फालतू में तुम दोनों को बचाने के चक्कर में मेरे को पैसे लेके जाना पड़ा यहाँ से अच्छा है? अबे वो भी सही किया तूने ला दिया जेवर अरे राम पूरे चलाया जी नीचे बैठ नीचे पूरे जेवर ला दिया जी अब तो फिर से पहनूंगी ढेर सारे में देखना देखी मैंने कैसे श्राद्ध की बात की और घर में शुभ शुभ होना चालू हो गया हुआ क्या नहीं बता दिमाग पूरा मेरा अच्छा रिक्स उठाया मैंने काय का बे
मैं मेरे को कुछ हो जाता वो चल जाता था, लेकिन तेरे को कुछ ना हो इसलिए मैं गया था घर से पैसे लेके, समझ रहा ना। फिर मैंने कहा ये बात गलत है, अच्छा पैसा का घपला नहीं जमेगा। मैं तुरंत गया सोना चांदी वाले की दुकान और नाम बताया खाली मेरा खुद का, वो बाबू का। तेरे भैया का नहीं बताया? इसको कौन जानता है, जा इसको तो अपने गाँव की दुकान में बोलो ना, मेरा भाई गोविंद भैया उसने गुटखा मंगाया है। अरे वो तेरा भाई बड़ा वाला काला काला जो है, हाँ। बोलते है मैं खाता ही नहीं गुटखा तो कहाँ से देंगे इसको, साला झूठ। अबे झूठ भी तो सफाई से बोल रहे पगला। हाँ। तो पैसे पैसे दे दिया और जेवर ला लिया पूरे। और सुनगा ब्याज के पैसे अलग से देना, तू मेरे को पहले बता रहा हूँ, मैं जेब के भर रहा हूँ। अबे दो दिन में काय का ब्याज लगता है बे? एक महीने का पूरा लगता है। अच्छा दो दिन में लाया एक सुपरा तू। सुनता रे तेरा भैया श्राद्ध करूंगा कह रहा है, अपने तो कोई च नहीं मरे, किसका श्राद्ध करूंगा कहता है, जीते जी बाबू जी का करेंगे क्या श्राद्ध? काय के लिए करना है श्राद्ध का? अबे देख नहीं रहा है घर में कैसी परेशानी आ रही है? नहीं तो वो तो अपने करने के फल है ना। काय के करने के फल? तुम चुप रहो। अरे लेकिन ये जिंदा आदमी को करूंगा कह रहे, अपना भी कर देंगे क्या रे? क्या खाई थी बड़ा मुंह हट रे ले। देख रे देख मेरी बात मान, दूर रहो जरा सी, बात कर रहे हो ना अभी, बोलगा मेरी बात मान। बोल बोल तू बोल, मानेगा क्या नहीं? अरे तू जो बोलेगा वो मान लूंगा। अच्छा अभी चल रहा है पितर पक्ष, हां हम रात दिन देवी देवताओं को पूज रहे हैं, पर हमारे पूर्वजों को पूज रहे हैं क्या हम? उनको काय के लिए पूजेंगे गा, मट्टी के ढेर हो गए वो मिट माट के और क्या। अबे बांगा मट्टी के ढेर नहीं, वो जाते हैं स्वर्ग में, वहां से देखते हैं हमारे आल औलाद क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। कह के अपने घर आने के जितने मरे ना इनको स्वर्ग कभी नसीब नहीं होगा। आँख ही बंद करो, काय के लिए एक बार बंद तो करो, आँख बंद करो, कुछ दिख रहा है सामने का? आँख बंद करके देखो दिख रहा है कि नहीं सामने? सब छोड़ भाई, अरे सुन तो रुक तेरे, आग बंद करो, बिल्कुल मिचमिचाना नहीं, दिख रहा है तुमको कुछ? हां तुम्हारे आदमी को कहां से दिखेगा भला? अरे तुम साले पूरे अनपढ़ गवार, ठहरे तो ठहरे, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम लोग हिंदू धर्म में हैं, अच्छा हम भगवानों को मानते हैं, तो इसको भी मानना पड़ेगा। अभी 14 तारीख तक है और इतने दिन बीत गए तो बीतने दे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हमको श्राद्ध करना है, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद पाना है, तो हमारे घर में सुख शांति बनी रहेगी और नहीं तो ऐसा चलते रहेगा, मैं बता रहा हूँ। हाथ लगे बाबू का भी कर ही देंगेगा रे। अबे पर होगा तू, अरे अरे क्यों कर रही है? कहाँ जिंदे का करोगे जी? तो जिंदा आदमी को थोड़ी करते हैं। अरे पर मैं कह रहा हूँ अपन सबका श्राद्ध साथ ही में कर लेते हैं। अरे राम प्रभु, अरे फिर मरने के बाद अपनी आल औलाद हुई उसने की नहीं की, साले हम यहाँ भटकते ही रहेंगे। वैसे भी आजकल कोई रीति रिवाजों को मानता नहीं है, जिसको देखो आ कुछ नहीं होता बोल के पूरे पूरे रीति रिवाजों की ऐसी की तैसी कर दी है पूरी। अपने कल को लड़के बच्चे होंगे मेरे ही, मर गया तो मर गया, कहाँ का श्राद्ध और कहाँ का पितर पक्ष और माय पक्ष। अभी भूंजा नहीं हुआ बाल बच्चे की हाथ करता। अरे हो जाएंगे, वो तो तेरी जो थोड़ी सी ढील है जरा, नहीं तो अभी तक तो 8-10 मशीन बना देता मैं। मशीन ऐसी तैसी मशीन, भगवान मतलब साइंटिस्ट बनता मैं बच्चे मतलब। पहले ईंट गारे का काम तो कर ले भाई। अभी देख रहा है ये अपने घर में पूरे अपशगुन उसी के कारण हो रहे हैं मालूम है, इसलिए वो बाबिया कहीं भग रहा है, बाबू कहीं भग रहा है। अच्छा पूरा पूरा अपने घर में पूरा हिल गया है। अरे मैं सब समझ रहा हूँ, अभी तू रहने दे उसको, बाद में बताऊंगा इसको मैं बाद में। अरे वो मैं क्या बोल रहा था भैया, बहुत दिन हो गएगा मैंने मुर्गा नहीं खाया, मुर्गा खाना। अबे क्या हुआ रे? क्या रे काय के लिए मार रही है मेरे को? छी तक नहीं हूँ रे मारे तेरे को रे। मुझे मार रहा क्या? अबे मैं तो इस तरह बैठा हूँ बे। देखा बैठ 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 देख देख, जैसे मुर्गे का नाम लिया तो अपने पूर्वजों ने दिए तेरे को चप चप आके। अबे अभी 14 दिन के लिए अपने घर में छाए, वो दिखते नहीं तो क्या हो गया? तो मैं तो मुर्रा बोल रहा था, चाय मुर्रा सुबह सुबह खाऊंगा, रोज मुर्रा लेके आऊंगा, ऐसा बोला मैंने। चाय मुर्रे में कैसे फड़ाकने लात मार दिए तुझी? हाँ साले तेरे मन में खोट है। नहीं लेकिन देख तुम, मैं हाथ जोड़ता हूँ इस बार मेरी बात मान लो, अपने को श्राद्ध करा ही लेते हैं अपन। हाँ ठीक है ना,
सब। और सुनो, नियम धर्म से रहना है अपने को। हाँ। है? रात में अपन अलग अलग रहेंगे रे बाबा, मैं पहले बता। अबे नहीं है ना उधर, सारे गलती करोगे ढूंढोगे। सही है अपने घर में। हाँ बे। और क्या, मैं एक बार फिर से जेवर को देख के आती हूँ जी। भैया मैं मामा के घर चल जाऊँ क्या? तो काय के लिए बे? अरे वो माम भाई की साली आई है ना, वहाँ मतलब घूम के आता हूँ ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ, अभी लाते पानी तो फट रही है, फट रही है। पूजा पाठ तू कर लेना भैया, मैं आता। कितने दिन की बात है? थोड़े ही दिन की तो बात है का, आ जाता हूँ। क्या बताओ, मैं तैयारी कर रहा हूँ ना भैया, तू मेरे को फोन कर देना कोई भी जरूरत होगी तो। लेकिन जैसा लगता है वैसा करो। ए जी, मैंने फिर देख ली, बड़ा अच्छा लग, बड़ा अच्छा लग जेवर को देख। चलो ना शुरुआत करेंगे जी। हाँ तो कुछ नहाएंगे धोएंगे जब करेंगे क्या? हाँ तो तुम नहा लो। मैं नहीं नहाती, मैं ऐसे सेंट वेंट छींच लूं। चल फटाफट तैयारी कर, नहा धो के। मेरे जेवर आ गए। अरे भांगे कहीं के। और हाँ दोस्तों, आप लोग भी हिंदू धर्म में हैं तो आप लोग भी अपने अपने घर में जिस स्तर से भी, जरूरी नहीं है कि दिखावा करे, तामझाम करे, ये सब चीज की जरूरत नहीं है। पितर पक्ष चल रहा है, नियम धर्म से रहिए। सिर्फ कुछ दिन की बात है और फिर आने वाली है नवरात्रि। हाँ, नवरात्रि आ रही है और बिना नहाए पितर पक्ष में पूजा कर लेना है। नहा धो के ही करना है, रीति रिवाज से चलना है और अपने पूर्वजों को मनाना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, चैनल पे नए हो गए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।